तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं आइसर कंपनी का। दोस्तों आप देख पाएंगे ये जो हमारे पास मॉडल अभी आया हुआ है क्रीपर गियर के साथ में 12+3 और दोस्तों 557 फाइव स्टार ये मॉडल है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। और दोस्तों आप लोगों को उससे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे शिवपुरी के डीलर साहब जो कि अमित भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राहुल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये कितने एचपी का ट्रैक्टर है सर अपना? ये 55 हॉर्स पावर कैटेगरी में ट्रैक्टर है जी, और कंपनी ने इसको जी सारे नए फीचर्सों के साथ अभी मार्केट में उतारा है जी। जैसे आप देखोगे, लुकिंग वाइज देखोगे आप, इसकी जो स्टाइल आगे से स्टाइल देखोगे जी, सारी देखने में एक अलग ही आपको देखने में। तो सर मैं अभी देख पा रहा हूँ आइसर का ये पूरा मॉडल जो है टोटली चेंज कर दिया है कंपनी ने, टोटल लुक वाइज चेंज कर दिया है जी, ताकत पहले से इसमें ज्यादा कर दी है जी, स्टाइल इसकी नए लुक में दे दी है, नया स्टाइल दे दिया है आपको। बिल्कुल जरूरी भी है, समय के साथ साथ में कुछ चीजों में बदलाव होना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसा कि आपको सर ने अभी बताया कि आइसर का ये जो लुक है अभी कंपनी ने रिसेंटली नया लॉन्च किया है और दोस्तों काफी शानदार काफी खूबसूरत लग रहा है इसमें ट्रैक्टर। आगे से भी इसका सर पूरा लुक चेंज कर दिया, आगे भी ये जो ग्रिल वगैरह इसको पूरा डिफरेंस कर दिया है जी। बिल्कुल, इसमें हेलोजन लाइट दे दी है जिससे आपको आसानी से आगे रास्ता देख सके, आसानी से पूरा उजाला रास्ते पर हो सके। और इसको स्टाइल है बैठने की जो तरीका है आदमी का, वहां बैठेगा सीट पे बैठेगा तो उसको आगे का पूरा क्लियर दिखेगा। और दोस्तों ये जो है प्राइमा G3 मॉडल है हमारे पास, इसकी जो विशेष फीचर्स हैं वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये बम्पर देख सकते हो सर, बम्पर कितने केजी का लगाया हुआ है कंपनी ने? बम्पर 125 केजी का लगाया है कंपनी ने, जिससे ट्रैक्टर लोडिंग करते समय, ट्रॉली खींचते समय आगे से ना उठे, इसके लिए बम्पर कंपनी फिटेड मिलता है। कंपनी फिटेड मिलता है तो ये बहुत बढ़िया, कंपनी फिटेड दोस्तों आपको बम्पर मिल जाएगा इस ट्रैक्टर के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट एक्सल के बारे में। एक्सल भी मैं देख पा रहा हूँ पहले की तुलना में थोड़ा सा हैवी है देखने के लिए लग रहा है ये, तो एक्सल भी थोड़ा सा हैवी लग रहा है। फ्रंट एक्सल भी बहुत हैवी कर दिया है, थोड़ा नहीं बहुत हैवी कर दिया है। पहले जो एक्सल आता था, हालांकि कभी ऐसी समस्या नहीं आई कि एक्सल की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो ट्रैक्टर में, फिर भी कंपनी ने और अच्छा एक्सल हैवी एक्सल डाल दिया जी। और दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। इधर की साइड में आप देख पाएंगे डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने दी हुई है, तो ये काफी बढ़िया है। दोनों टायरों में अपना बैलेंस होकर के चलती है और डबल जैक के साथ ये लगी हुई है जी, जिससे मान लो कभी एक जैक काम भी नहीं करता या खराब भी हो जाता है तो दूसरे जैक से अपने आप चलती रहेगी, यानी कि किसान भाई खेत के अंदर फंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं इसमें। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमको स्टीयरिंग की वजह से ट्रैक्टर खड़ा करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप इधर की साइड में देख पाएंगे ये जो है डबल डीजल फिल्टर मिल जाएंगे आपको, उसी के साथ में दोस्तों वाटर सेपरेटर आपको सेपरेटली देखने के लिए मिल रहा है, उसी के साथ में दोस्तों ये जो है इंजन ऑयल फिल्टर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सर इसकी जो लुकिंग है पहले से मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जो आइसर का जो बोनट था पहले पीछे की टाइप से ओपन होता था अपना, अभी इसको आगे से कर दिया है क्या कंपनी? हाँ जी बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पहले से आगे से खुलने में दिक्कत आती थी, इसलिए किसान भाइयों के सुझाव के अनुसार इसको अब आगे से कर दिया, आगे से खुलने वाला कर दिया है, आगे से अपन इसको खोल सकते हैं जिससे अपन इंजन में आसानी से काम कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम इसका बोनट खोल करके दिखाते हैं कि कंपनी ने इसको कितना अभी इसको बोनट को कस्टमाइज किया हुआ है। तो सबसे पहले इसका बोनट निकालिए, आप बोनट निकाल के दिखाइए राहुल जी। इसमें एक आगे बटन दिया है जिसको आपको पुश करना है, जैसे ही पुश करेंगे तो आसानी से ये उठ जाएगा। सिंगल पीस कर दिया बोनट? हाँ, क्योंकि इसमें डबल जैक अंदर लगे हुए हैं जी जी, हमें कहीं कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, सही केवल बटन को पुश करेंगे थोड़ा सा सहारा देंगे अपने आप ऊपर चला जाएगा। राहुल जी जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें एयर क्लीनर दिया है, इसमें ये ऑयल वाला है सर, ऑयल वाला है, इसमें ऑयल रहता है नीचे, कोई डस्ट वगैरह कुछ जाती है तो ऑयल में वो बैठ जाएगी। उसके बाद इसका आप रेडिएटर देखेंगे तो रेडिएटर में अलग से एक सेपरेट जाली दे रखी है, बड़ा कचरा मोटा कचरा कोई जाएगा तो उसमें वहीं रुक जाएगा। तो इसकी दोस्तों बैटरी जो है वो साइड में मिलती है। उससे पहले आप लोगों को हम इसके इंजन के बारे में स्पेसिफिकेशन जो भी है हम आपको बताते हैं। दोस्तों अगर इंजन के बारे में आपको जानकारी दी जाए तो ये जो ट्रैक्टर है अपना 3 सिलेंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों इसके फ्यूल पंप की अगर बात करें तो बॉश कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में ये ट्रैक्टर अपना आता है। अगर दोस्तों इंजन सीसी की अगर बात करें तो सीसी इसकी 3300 सीसी का आपको इंजन मिलेगा। उस साथ में दोस्तों ये जो अपना इंजन है 55 एचपी कैटेगरी का है सर जी, ये अपना 55 एचपी कैटेगरी का इसलिए है क्योंकि ये इसकी
जो सीसी है वो काफी अपन को बढ़िया मिल रही है। बढ़िया मिल रही है, 3300 सीसी बहुत होती है जी। 3300 सीसी का अपन को इंजन मिलता है। और दोस्तों अगर बात की जाए अगर इसके टॉर्क के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 192 NM का, और दोस्तों RPM आपको मिलेंगे 2200। तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है 2200 रेटेड RPM पर चलकर फुल अपन को 55 HP कैटेगरी की पावर, और दोस्तों उसी के साथ में 192 NM का टॉर्क आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे कि ट्रैक्टर का आपको अल्टरनेटर मिलेगा। अल्टरनेटर की अगर बात करें तो 12 बोल्ट 85 एम्पियर का अल्टरनेटर आपको देखने के लिए इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है। दोस्तों उसी के साथ में सेल्फ स्टार्टर मोटर की अगर बात की जाए तो सेल्फ स्टार्टर मोटर जो है दोस्तों आपको 12 वोल्ट 2 किलोवाट की देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ में दोस्तों इधर की साइड में आप देख पाएंगे टेंडम पंप आपको डबल मिल जाएंगे इसके। अगर दोस्तों टेंडम पंप की बात करी जाए तो 35 LPM के आपको टेंडम पंप अभी कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर लगा करके दे रही है। दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। दोस्तों बैटरी जो है इसकी नॉर्मली अपने जो ट्रैक्टर आते हैं उनमें 12 वोल्ट 88 AH की देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी कंपनी फिटेड मिलती है। सन भाइयों इसमें एक और आपको सुविधा कंपनी की तरफ से मिली हुई है जी, साइलेंसर में गार्ड लगा दिया है, इसको सेव कर दिया, यानी सेफ्टी की वजह से साइलेंसर गार्ड लगा दिया, सेव कर दिया है, जिससे क्या है कभी साइलेंसर गर्म होता है तो गलती से किसी किसान भाई का हाथ इस पे ना लग जाए, जलने की समस्या किसी के साथ ना हो जाए, इसलिए इसको दिया गया है जी। जी दूसरा एक और एक कंपनी ने एक और एक विशेष फीचर्स इसमें ये दिया है, हीट गार्ड लगा दिया है जी। हीट गार्ड से क्या है जब गर्मी के समय में ट्रैक्टर चला रहे हैं बहुत ज्यादा गर्म, इंजन की गर्मी जो रहती है ड्राइवर तक ना पहुंचे, इसलिए हीट गार्ड को पैरों में नहीं लगनी चाहिए, पैरों में ना लगे। किसान भाइयों को क्या है गर्मियों के टाइम में बहुत समस्याएं आती थी, तो ये काफी बढ़िया कर दिया है मेरे हिसाब से तो जी। तो सर जी मैं इसका प्लेटफॉर्म देख पा रहा हूँ काफी फ्लैट कर दिया पहले से, और बड़ा भी लग रहा है मुझे जी। बिल्कुल कंपनी ने इसमें प्लेटफॉर्म को फ्लैट कर दिया है जी, जिससे आसानी से किसान जब ट्रैक्टर चलाए तो आराम से अपने पैरों को रख सके, उसे कोई दिक्कत ना आए, सुविधाजनक बना दिया पहले से। और साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में ये ट्रैक्टर अपना आता है बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोगों को इधर की साइड में हम गियर बॉक्स और प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूं ट्रैक्टर पर और आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म जो है काफी चौड़ा बना दिया है पहले से, कंफर्टेबल बना दिया है। मैं अभी देख पा रहा हूं कि काफी कंफर्टेबली इस पर बैठा हूं, और ये काफी स्पेस इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो लीवर वगैरह है वो मेरी आसान पहुंच में बनाए गए हैं। इनका जो साइज जो है पहले से थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा दिया गया है, ताकि ये जो है बिल्कुल कंफर्टेबली अपन इसको ऑपरेट कर सके, कोई भी असुविधा अपन को ना हो, या नीचे गियर होने से दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है। तो ये काफी बढ़िया है, किसान भाई अगर ट्रैक्टर चलाएगा तो सामने देखते हुए अपने गीजर को आसान पहुंच में और इसको आराम से ऑपरेट कर पाएगा, तो ये काफी बढ़िया है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके गियर बॉक्स के बारे में, तो इसमें दोस्तों आपको कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको 12+3 क्रीपर गियर देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों जो अपना मेन गियर लीवर है उसी के नीचे आपको ये वाला लीवर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों अपना क्रीपर गियर के लिए बनाया गया है। क्रीपर गियर जो दोस्तों इसी वजह से ये ट्रैक्टर 12+3 बनता है अपना। क्रीपर गियर का मेन रोल दोस्तों स्पीड का है, क्यों सर जी? स्पीड का रहता है, जिससे आप बहुत कम स्पीड में भी चला सकते हो और उसको अधिक स्पीड में तो चला ही सकते हैं। जो अपना पोटैटो वगैरह की खेती है उसके लिए अपन को कम स्पीड की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर दोस्तों क्रीपर गियर इसमें ट्रैक्टर में स्पेशली अभी कंपनी ने डाला है, तो उससे इस ट्रैक्टर के अंदर आपको अलग अलग तरह की चाल देखने के लिए मिलती है। यानी कि 12 स्पीड आपको आगे के लिए देखने के लिए मिलेंगी और 3 स्पीड आपको रिवर्स देखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों इसका जो स्टेयरिंग व्हील जो है पहले से दोस्तों इसका साइज जो है कॉम्पैक्ट साइज का कर दिया है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ताकि दोस्तों ये जो है काफी कंफर्टेबली इसको ड्राइव कर सके बिल्कुल कार जैसा। उसी के साथ में दोस्तों इसमें नोब भी आपको मिलता है, ताकि आप एक बार में ही फुल कटिंग ट्रैक्टर का ले सकें। दोस्तों इधर की साइड में आप देख पाएंगे ये जो है इसका कॉम्बिनेशन स्विच दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको अपर डिपर लाइट हॉर्न पार्किंग का सब कुछ आपको कॉम्बिनेशन के रूप में इधर की साइड में ये कंपनी ने काफी बढ़िया से मेंटेन करके दिया हुआ है इधर की साइड में। और दोस्तों अगर बात किया जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो उसको आपको दिखाना चाहेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको स्विच चालू करके दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का काफी लाइट लेवल ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, और इसके अंदर आपको पूरी जो इंडिकेशन है वो डिजिटली सेमी डिजिटल टाइप का है। दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर आपको टाइम आवर्स वगैरह सब कुछ इसमें देखने के लिए आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये वाला जो स्विच है इसके अंदर दोस्तों फ्यूल टैंक इसका ओपन करने के लिए ये काफी बढ़िया कर दिया है बिल्कुल, जो कार वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है। आपको इसको पुल करना है और आपका जो फ्यूल टैंक इधर की साइड में आप देख पाएंगे कि ये फ्यूल टैंक जो है ये ओपन हो चुका है।
इधर की साइड से आप इसको रिफिल करा सकते हैं ट्रैक्टर में जब भी फ्यूल आपको डालना हो। तो ये काफी बढ़िया एक बटन कंफर्टेबल कंपनी ने दिया हुआ है, बिल्कुल कार जैसा। दोस्तों ये वाला जो आप बटन देख पाएंगे, इस बटन का काम ये है, अगर आप ट्रैक्टर चला करके कहीं से आ रहे हैं और ट्रैक्टर को बंद किए हुए 3-4 मिनट अभी हुए हैं, तो दोस्तों 3 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इस बटन को ऑन कर देते हैं तो इस बटन से होगा ये कि इसकी जो पूरी लाइट वगैरह है वो 40 सेकंड के लिए ऑन हो जाएंगी। ये जो है दोस्तों आइसर का भी काफी बढ़िया आया है, गांव के हिसाब से जो है इसको किसान भाई यूज में भी लेंगे, तो ये एक एडिशनल फीचर आइसर में अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ में दोस्तों ये जो है अपना पार्किंग इंडिकेटर का स्विच है, जिससे अपने चारों इंडिकेटर जो है चालू हो जाते हैं। और दोस्तों ये वाला आप छोटा सा लीवर इधर की साइड में देख पाएंगे, ये अपना पीटीओ को ऑपरेट करने के लिए लीवर दिया हुआ है। इसमें 540 पीटीओ और मल्टी गियर पीटीओ, उसी के साथ में दोस्तों आप रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ में दोस्तों ये जो है अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए एक इधर की साइड में होल्डर दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको आउटपुट भी मिलेगा और इसमें आप अपना मोबाइल रख पाएंगे आराम से और इसको चार्ज कर सकते हैं ट्रैक्टर को चलाते हुए। तो दोस्तों ये जो है काफी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रैक्टर आया है, सीट भी इसकी काफी कंफर्टेबल है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका पावर स्टीयरिंग की जो कटिंग है वो आपको चेक करवाऊंगा और इसका साउंड चेक करवाऊंगा। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन ट्रैक्टर को। ये दोस्तों आप देख पाएंगे इसकी कटिंग, आप देख सकते हैं इसकी कटिंग जो है दोस्तों पहले से काफी ज्यादा कर दी है अभी कंपनी ने, इसको आप आसानी से टर्न कर पाएंगे। और दोस्तों ये कम से कम जगह में आपका ट्रैक्टर टर्न हो जाएगा। साउंड की दोस्तों बात करें तो आप साउंड देख सकते हैं, दोस्तों साउंड आपने सुना इसका, ट्रैक्टर का साउंड काफी बढ़िया है। और दोस्तों इंजन की सीसी और इंजन की पावर वो आपको साउंड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी जो सीसी जो है दोस्तों 3300 सीसी का आपको इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए भी मिल रहा है। किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि इसका वाइब्रेशन बहुत ना के बराबर है। अगर अपन एक गिलास भरकर इस पे रख देंगे बोनट पे और ट्रैक्टर को चलाएंगे तो पानी नहीं हिलेगा, यानी कि ये वाइब्रेशन फ्री कर दिया, वाइब्रेशन फ्री कर दिया। दोस्तों ये काफी बढ़िया है, क्योंकि वाइब्रेशन जितना कम होगा ट्रैक्टर की लाइफ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों इसके जो डीसी और पीसी लीवर है वो आपको इधर की साइड में मिल जाएंगे, और दोस्तों उसी के साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूटर का जो ऑक्सिलरी वाल्व का लीवर है वो इधर साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों उसी के साथ में इधर की साइड में आप देख पाएंगे ये जो टूल बॉक्स है एडिशनल कंपनी की द्वारा लगा करके दिया गया है, जिसमें किसान भाई अपनी जरूरत के सामान को इधर की साइड में रख सकते हैं। तो दोस्तों आप ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो हाइड्रोलिक को आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस प्रकार का आपको हाइड्रोलिक देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अपना रियर एक्सल जो है अपना वो आपको प्लेनेटरी ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है, ये काफी बढ़िया है। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सल है सबसे ज्यादा सफल एक्सल और सबसे मजबूत एक्सल माना जाता है, तो आपको 557 आइसर के अंदर अभी प्लेनेटरी एक्सल देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों पीटीओ एचपी के बारे में आपको बताना चाहेंगे तो इसके अंदर आपको 46 एचपी का पीटीओ देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अगर बात किया जाए इसके आरपीएम की तो दोस्तों 540 चक्कर पीटीओ के आपको 2200 रेटेड आरपीएम पर देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो लिफ्टिंग की कैपेसिटी है यानी कि चीजों को उठाने की क्षमता पीछे से, तो दोस्तों लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो 2100 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ में दोस्तों इसके अंदर जो है आपको सॉकर वाला ऑप्शन मिलेगा, चेन वगैरह नहीं मिलती है, तो इसको आप आसानी से इसकी हाइड्रोलिक को जल्दी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। उसी के साथ में दोस्तों 3 सेंसिंग पॉइंट आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों उसी के साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो है कंपनी फिटेड देखने के लिए मिल जाते हैं, ये आप इधर की साइड में देख पाएंगे, जिससे आप मल्टी रिवर्सिबल प्लाउ वगैरह के ऐसे संयंत्रों को इससे ऑपरेट कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों एक आउटपुट मिलता है किसान भाइयों को अलग से, इसमें एडिशनल जो भी है वो पीछे की तरफ में अगर इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहें तो इधर की साइड से ले सकते हैं। दोस्तों अगर इसके रियर टायर के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो पीछे के टायर आपको 16928 के देखने के लिए मिल रहे हैं, और दोस्तों आगे के जो टायर है वो आपको 750 के देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों आइसर की तरफ से ये जो ट्रैक्टर अभी 557 मार्केट में आया है, इसमें दोस्तों आपने देखा कि कितने सारे फीचर्स इसमें एडिशनल कंपनी ने किए हैं, और दोस्तों कुछ जो कमियां थी उनको उसमें सुधार किया है, और दोस्तों उसी के साथ में एक बेहतरीन नए डिजाइन लुक के साथ में कंपनी ने इस ट्रैक्टर को अभी मार्केट में लॉन्च किया है। अगर आप चाहें तो इस ट्रैक्टर को अगर शिवपुरी जिले से आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों शिवपुरी के डीलर महोदय हमारे साथ में है, जिनका नाम श्री अमित रघुवंशी जी है, और ये आपको बताएंगे अपनी डीलरशिप के बारे में और अपना नंबर भी देंगे। मेरा सर अपनी डीलरशिप का नाम बताइए सबसे पहले। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी डीलरशिप भारत ऑटोमोबाइल के नाम से है, जो गणेश आश्रम स्कूल एवी रोड शिवपुरी पे है, झांसी तराई के जस्ट थोड़ा सा आगे। जी नंबर भी आपको दे दूंगा जिससे आप
आपको जो भी जानकारी चाहिए रेट से संबंधित, ट्रैक्टर से संबंधित, नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, सारे ट्रैक्टरों की मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों इनका नंबर जो है मैं नीचे यहाँ पर पिन करवा दूंगा, जिससे आप इनसे बात कर सकते हैं और इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। और दोस्तों आईसर का आप कोई भी ट्रैक्टर आपको अगर लेना हो तो इस नंबर पर आप कॉल करिए। आपको रेट वगैरह की जानकारी लेनी हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं। और शिवपुरी जिले के आप रहने वाले हैं तो सर से मिलने का सौभाग्य आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।